हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग टीम करने वाले हैं यहाँ पे ट्राइज, जो कि आपको दिख रहा होगा लेवल 70 का है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग ट्राइज को कैसे टीम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग गुलेल से टीम करने वाले हैं और साथ साथ स्टोन यूज करने वाले हैं। बट इन गेम बात करें तो यहाँ पे इसका नाम जो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइड कुछ करके नाम है इसका। तो फिलहाल के लिए नाम तो इसका पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे हम लोग इसको हिंदी में एक तरह से कह सकते हैं अपना वही गुलेल वगैरह। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, बिल्कुल यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास बिल्कुल वेस्ट वगैरह मैंने नहीं पहन रखा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल एकदम शुरू से शुरू करके टीम करके आपको बताऊंगा, इसे नॉकआउट करूंगा, नॉकआउट करने के बाद टीम करूंगा। तो कितने लोगों को जब शुरू शुरू में हम लोग गेम वगैरह ऑन करते हैं, मतलब जो एकदम बिल्कुल शुरू शुरू में खेलते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कौन सी चीज़ क्या करें, तो कैसे कैसे क्या करें या फिर कैसे क्राफ्ट करें, बहुत ही हार्ड होता है हमारे लिए। तो वही मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैं फाइबर कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग राइट साइड से डबल टैप करेंगे इन सभी के पास जाके झाड़ियों के पास, तो ये फाइबर ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए हाइड, और साथ साथ हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी इसको क्राफ्ट करने के लिए। तो हाइड कैसे मिलेगा, हम लोग इस बड़े बड़े जानवर को या फिर छोटे मोटे जानवर को मारेंगे, मारने के बाद उसको एक हैच टूल से उसकी मीट को हार्वेस्ट करेंगे, तो हमें उससे हाइड मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें वुड मिल जाएगा, ये देखिए ऐसे हमें वुड मिल जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग जितना चाहें उतना क्राफ्ट कर सकते हैं शॉर्ट यहाँ पे ये गुलेल अपना। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए 3 क्राफ्ट कर लिया है, मुझे लगा था 3 में हो जाएगा काम यहाँ पर। और थोड़ी सी हम लोग स्टोन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें बहुत सारे स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए मेरे पास 215 स्टोन हो चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग ट्राइज का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऊंची सी जगह खोजेंगे इसको टेम करने के लिए पहले। जैसे कि अगर हम लोग नीचे से इसे मारना शुरू कर देंगे, तो ये मुझे ही वापस दौड़ा के मारने लगेगा और मैं कभी भी कहीं पर भी मर जाऊँगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ एक ऊँची सी जगह पर। अब क्या करना है कि हमें इस ट्राइज को हिट देना है, ताकि हमारे क्लोज में थोड़ा सा आ जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। मैं यहाँ से बहुत सारे शॉट मारने की कोशिश करता हूँ, बट मिस हो जाता है, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता है। और यहाँ पे धीरे धीरे करीब करीब मैंने 5, 6, 7, 8, 10 शॉट मार दिए थे, और जो मेरा वीपन है एक ऑलमोस्ट ब्रोकन होने वाला था। तो मुझे लगा था यहाँ से एंगल नहीं मिल रहा है मुझे, तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर इस ट्राइज को मुझे कहीं पे ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग खड़े रहें, खड़े होके ही से मार सकें। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए, बट यहाँ पे मैंने बहुत बार मिस कर दिया। तो अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, आगे जाने के बाद कहीं और ऊँची जगह खोजनी पड़ेगी जिसपे हम लोग चढ़ सकें। तो यहाँ पर मुझे फिर से एक दूसरा दिखा था यहाँ पर, जो रॉक है, और मैं इस रॉक पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पहले थोड़ी सी दिक्कत हुई चढ़ने में, बट फिर फाइनली मैंने देख लिया कैसे इस पे चढ़ सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ी सी जगह वगैरह खोज लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद कोशिश करिएगा इसे टेम करने की। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं एक बार क्लोज में आ गया ताकि इसे हिट दे के मैं भाग सकूँ। और मैंने जैसे ही हिट मारा इसको, बिना पीछे देखे मैं आगे की तरफ भागता गया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे पीछे आएगा। ये देखिए मेरे पीछे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जल्दी से चढ़ जाना है। अब हमें बस यहीं से खड़े होकर इसे मारते रहना है, और इसे तब तक मारेंगे जब तक ये पूरी अपनी स्टेमिना न गवा दे या फिर पूरा अनकॉन्शियस ना हो जाए। हालांकि इसका जो अनकॉन्शियस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि ये 70 लेवल इसलिए ऐसा हो रहा हमारे साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे मैं मिस कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल क्लोज में लाना, और एक शॉट फाइनली हमारा हिट हो जाता है। तो अब क्या करना था, हमें बस किसी तरह इसे जल्दी जल्दी से हिट करते जाना था। और मेक श्योर कर लें कि आप लोग कम से कम 5 से 7 वीपन्स कैरी करें, जो मैं यूज करा गुलेल को, 5 से 7 गुलेल आप लोग कैरी करें। और स्टोन वगैरह अगर आपके पास 200 के आसपास है तो काफ़ी होगा, इतना बहुत स्टोन हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला गुलेल टूटने वाला है, और जब ये इस तरह आगे की तरफ भागने लगे, तो ये मत सोचिएगा कि ये नॉकआउट होने वाला था। मैं यही सोच रहा था भाई ये नॉकआउट होने वाला है, इसलिए मैं भी कूद गया इसके पीछे पीछे। बट ये था बस, ये घूम के गया वापस आने के लिए और दौड़ा के मारने के लिए ऐसा किया इसने। और यहाँ पे फिर से मुझे लगा था कि ये नॉकआउट होने वाला, इसलिए मैं उतर गया। बट आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जब ये नॉकआउट होने वाले रहेंगे तो ऐसे वापस घूम के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बचना पड़ेगा और वापस मुझे अपनी जगह पे जाना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि ट्राइस इस पर चढ़ नहीं सकता, अगर एक परफेक्ट पोजिशन मिल जाए उसे तो चढ़ भी जाएगा इसके ऊपर। देखिएगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे चढ़ेगा।
और अगर आप लोग ट्राइस के हेड को मारेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये नॉकआउट हो जाएगा। और ये लेवल 70 का है, और ये देखिए पहले कैसे चढ़ गया ये, और एक हिट मुझे दे भी दिया है। तो मुझे अब भगना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि वापस उसी जगह पर जाऊँ, बट इस बार क्या करूँगा कि जहाँ मैं खड़ा था उससे थोड़ा सा हटके दूर खड़ा होऊंगा ताकि ये ऊपर चढ़ ना पाए। तो यहाँ पे मुझे फिर से चढ़ना पड़ेगा, और फ़िलहाल के लिए काफ़ी मुश्किल है ये। आई मीन अगर आप लोग सिर्फ इससे टीम करना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये देखिए ट्राइस का जो अनकॉन्शियस लेवल है 1285 है, और 1285 के लिए हमें करीब करीब मारने पड़ेंगे 150 के आसपास स्टोन इसको। तो यहाँ पे हमें वीपेंस भी बहुत अच्छे खासे चाहिए। आई मीन अच्छे खासे का मतलब है कि कम से कम 5 से 6 वीपेंस लग सकते हैं हमें, और यहाँ पे मुझे चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। और फाइनली मैं वापस चढ़ गया हूँ यहाँ पे, तो अब कोशिश करूँगा ऐसी गलती ना करने की, और मैं इसे मारना शुरू करूँगा। यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है, और अभी हिट करना स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर करेंगे कि इस बार परफेक्टली हिट करें। हालाँकि ये चढ़ नहीं पाएगा अब, और देखिए यहाँ पर शॉट्स मारने स्टार्ट कर दिया मैंने, और इसे तब तक मारेंगे जब तक ये नॉकआउट नहीं हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे फिलहाल जैसा कि दिख रहा होगा आपको, मेरे पास करीब करीब 200 स्टोन थे, 200 में से 10-15 मैंने मिस कर दिए, बाकी सब मैं हिट कर रहा हूँ अभी भी। और इस ट्राइस का लेवल 70 है, शायद इसीलिए इसकी अनकॉन्शियस लेवल इतना ज़्यादा है। आई मीन अगर आप लोग शुरुआती में खेलेंगे तो इसके लिए मैं उसकी बात कर रहा कि इनका अनकॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा। अगर आप लोग फिर एरोज़ वगैरह बना लेंगे तो फिर थोड़ी सी ईजी हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि ये करीब करीब 5 से 6-7 एरो में ये नॉकआउट हो जाएगा अगर आप लोग टॉर्क एरो रखेंगे तब। और यहाँ पे गलती मत करिएगा उतरने की, क्योंकि ये भग रहा ऐसा सोच के कि नहीं इसका अनकॉन्शियस ख़त्म हो रहा, बट यहाँ पे देखिए हालांकि मेरे पास स्पाइक ग्लासेस है तो मैंने देख लिया, और यहाँ पे मैं गिर गया गलती से, मुझे उतरने का कोई वो नहीं था, तो यहाँ पे मैं गलती से गिर गया अपने। तो यहाँ पे मुझे फिर से चढ़ना पड़ेगा, वापस चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं फिर से चढ़ गया ये देखिए। और ट्राइक जब ऐसे आते हैं गुस्से में तो फिर बिल्कुल बच के रहिएगा। और यहाँ पे ऐसे जैसे इस समय ये रनिंग कर रहा, अगर ऐसे करेगा तो इसकी स्टेमिना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और ये देखिए ये आउट ऑफ स्टेमिना हो गया, इसलिए स्लो हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कितना हिट मारूंगा तो तेज़ी से नहीं भग पाएगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसकी स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और चलिए इसको लगातार हम लोग हिट देते रहते हैं, और स्ट्राइक की यहाँ पर मेरे वीपन सारे दोनों टूट गए भाई, अभी एक बचा है, चलिए अभी एक फ़िलहाल के लिए बचा है, इसको पुट कर लेते हैं, इससे हिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मेरे वीपन भी सारे टूट गए हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा क्या होता है ट्राइस का, कि जो इसकी स्टेमिना होती है, अगर आप लोग लगातार हिट करते रहेंगे, ये रनिंग लेंगे लंबा वाला, तो इनकी स्टेमिना आउट ऑफ स्टेमिना हो जाएंगे। तो एक जगह ऐसा आता है कि ये हिट करने के लिए तो मैं आपकी तरफ बढ़ाते रहेंगे, बट इसकी स्टेमिना आके अटक जाएगी वहीं पर, और ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में बताऊँगा, आई मीन विद प्रूफ दिखाऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे हीटिंग करना स्टार्ट कर देता हूं, और इस बार काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जा रहा था, बट इसी बीच मेरी बैटरी काफ़ी लो हो जाती है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है बैटरी को भी चार्ज में लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं फ़िलहाल हीटिंग तो स्टार्ट कर दिया हूं, साथ साथ ये भी मेक श्योर करना है कि आपके ट्राइज का लेवल तो ठीक ठाक हो, और साथ साथ HP वगैरह 500 से प्लस ही हो, क्योंकि अगर जहाँ पे इसकी HP 500 से कम होगी और एक हाई लेवल के ट्राइज आप टीम करना चाहेंगे तो ये मर जाएगा, टीम नहीं होगा। क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी HP 1125 थी, और इस समय आधी HP हो गई है इसकी, और यहाँ पर आधी से ज़्यादा अनकॉन्शियस भी हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मेरा फिर से एक जो गुलेल है वो भी टूट गया। अब हमें फ़ाइबर की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कैसे फ़ाइबर लें, बट यहाँ पे पास ही में मेरे दो पेड़ थे, फाइनली इससे कुछ फ़ाइबर मुझे मिल जाते हैं। आई मीन ये देखिए मैंने फ़ाइबर जल्दी से कलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे मैं दोनों गुलेल को रिपेयर कर पाता हूँ, दो गुलेल एक साथ रिपेयर कर पाता हूँ यहाँ पे ईजिली। और मुझे वापस फिर से चढ़ना था वहीं पर, यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत आ रही है पता नहीं क्यों, मतलब कभी कभी नहीं चढ़ पाते इजीली हम लोग। और ये देखिए ट्राइस जो है अभी भी वैसे के वैसे ही अटका पड़ा है, इसकी स्टेमिना अभी भी रिकवर नहीं हुई है, तो इसे जल्दी से नॉकआउट करते हैं हम लोग। ये देखिए फिर से मैंने हीटिंग स्टार्ट कर दिया, हमें थोड़ी सी आगे पीछे रह के हीटिंग करना है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने TPP कर रखा है, इसलिए हमें जो ऐसे मारना पड़ रहा इसका हेड वगैरह। और जो स्टोन हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी सारा है, मीन 80 स्टोन बचे हैं करीब करीब, और हमने करीब करीब 100-120 से ज़्यादा स्टोन गवा दिए इसको नॉकआउट करने के लिए। और इसकी HP लगातार घटती जा रही है थोड़ी थोड़ी करके, जितनी बार हम इसे हिट मार रहे हैं, और अब तक तो हमें लगता है कि नॉकआउट होने के करीब आ जाना चाहिए, मतलब बहुत ही क्लोज आ जाना चाहिए, बट जैसे ही ये नॉकआउट होने लगेगा ये भगने लगते हैं,
तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे ही ये भागने लगेंगे, जब वापस मुड़ के नहीं आएंगे, तो समझ लीजिएगा कि ये नॉकआउट होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरा दूसरा गुलेल भी टूट गया है और आई थिंक कि अब ये नॉकआउट होने वाला, इसलिए ये भाग रहा। भागने का मतलब है कि ये अभी फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ स्टेमिना, इसलिए इतना स्लो भाग रहा है ये। अदरवाइज़ ये बहुत तेज़ भागता तो आप लोगों को भी ऐसा ही दिखाएगा। जब ये नॉकआउट होने वाला रहेगा तो ऐसा ही दिखाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं स्पाई ग्लासेस से देख के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, नॉकआउट होने वाला, इसलिए ऐसा दिख रहा है हमें, क्योंकि ये तेज़ नहीं भाग पा रहा, क्योंकि इसकी स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है रनिंग करते करते, और ये भी रिकवर नहीं कर पाया है और ये लगातार भागते हुए चला जा रहा है, इसलिए इसके ये काफ़ी स्लो भाग रहा। तो ये काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं लास्ट में, अगर आपके साथ ऐसा सीन हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको। ये काफ़ी भग भी नहीं पाएंगे और स्टेमिना भी नहीं ले पाएंगे, तो आप ऐसे ही मारते जाइएगा इसको। हेड पे मारने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोग हेड मारेंगे तो बहुत जल्दी नॉकआउट होगा। और ये करीब करीब हमारा पाँचवा गुलेल है जिससे हम लोग इसे मार रहे हैं। अगर ये भी टूट गया तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि मेरे पास फाइबर नहीं बचे हैं रिपेयर करने के लिए, हमें कहीं दूर से फाइबर कलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। और ये फाइनली भाई मैंने इसे नॉकआउट कर दिया। ये देखिए, लेवल 70 का एक ट्राइज जो है मैंने गुलेल से सिर्फ नॉकआउट कर दिया। और अब बारी इसे टेम करने की, तो बहुत ही हार्ड था इसका नॉकिंग सिस्टम। और यहाँ पे मेरे पास मेजो बेरीज हैं कुछ, इसे हम लोग इससे टेम करेंगे। तो कितना मुश्किल था इसे नॉकआउट करना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ टार्क एरो जरूर इकट्ठा कर लें, ऐसे टेम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए इसे टेम करना। तो टार्क एरो कम से कम कुछ हैं तो 5-6 टार्क एरो बना लें और 2-3 शॉट इससे भी मार देंगे तो नॉकआउट हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं इसकी टेमिंग की जो वीडियो है, आई मीन जो इसका प्रोसेस है टेमिंग की, काफ़ी फास्ट कर दूँगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। और साथ ही साथ और भी यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक बार में 2.2% जा रहा, तो जानते होंगे कि कितना ज़्यादा लंबा होने वाला है इसका प्रोसेस। टोटल 100 बार जाएगा तब जाके ये हमारा टेम होगा, तो इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और साथ ही साथ इनके बीच में मैं आपको दिखा दूँगा कि ट्राइस का सेटल वगैरह भी कैसे बनाते हैं, ताकि और भी वीडियो जो बोरिंग ना लगे हमारा। तो फाइनली गाइस, हमारा आधा प्रोसेस हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके सैडल की। तो यहाँ पे सैडल क्राफ्ट करने के लिए हमें बहुत सारे हाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइड क्या होगा कि हमें ये छोटे मोटे डाइनो से मिल जाएंगे, आई मीन इस डोडोज वगैरह को, इनको मारने पे हमें हाइड मिलेगा। देखिए, जैसे 27 हाइड मिल गया हमें। और यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा वीपन है, हमारा मतलब है थोड़ा सा अच्छा वीपन है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हाइड कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ और हाइड चाहिए, अभी हमारे पास पर्याप्त हाइट नहीं हुआ है। और साथ साथ हाइट के अलावा हमें और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें फाइबर की। यहाँ पे देखिए, मैं पहले हाइट कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फाइबर भी कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी से कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारे हमें डोडो मारने पड़ेंगे हाइट को कलेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग स्टोन का हैच यूज़ करेंगे तो बहुत कम हाइट आपको कलेक्ट करने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग स्टोन के अलावा कोई और दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे हाइट कलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, एक बार में मुझे कितने सारे हाइट कलेक्ट, एक बार में 25-24 ऐसे हाइट मिल रहे हैं मुझे कलेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल के लिए आई थिंक इतना तो इतने में इनफ हो जाना चाहिए मेरे पास हाइट। तो चलिए देख लेते हैं कितना हाइट हुआ हमारे पास यहाँ फ़िलहाल के लिए। तो और साथ साथ हमें फ़ाइबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत सारे फाइबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे भी मार देते हैं और यहाँ पे डन हो चुका है। चलिए देख लेते हैं अब कितना हुआ हमारा। और सेविंग को हटने देते हैं, स्क्रीन पे काफ़ी लंबा सेविंग आ गया है। और ये देखिए, हमारे पास हाइट बिल्कुल हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, सॉरी वुड कह रहा, वुड तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें फाइबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं फाइबर कलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, फाइबर ऐसे कलेक्ट करेंगे जैसे फिलहाल मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और फाइबर के अलावा हमें थोड़ा सा वुड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वुड हमारी इन्वेंट्री में ऑलरेडी है, तो आपको पता होगा वुड कैसे ले सकते हैं हम लोग या फिर कैसे मिल सकता है हमें वुड। तो वुड तो इजीली क्राफ्ट हो जाएगा किसी भी पेड़ से हमें। तो यहाँ पे हमारा जो फाइबर, आई थिंक फाइबर भी कंप्लीट हो चुका होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। ये देखिए, और
काफ़ी सारे फाइबर भी मिल जा रहे हैं, एक बार में 4 टे 5 टे 6 टे 7 को 8 को 10 टे जितने चाहिए उतने मिल जा रहे हैं हमें। और यहाँ पे क्राफ्ट करते करते यहाँ पे फाइबर कलेक्ट करते करते हमें रॉक रोड भी मिल चुके हैं भाई, 2 2 रॉक रोड मिल चुके हैं, तो हम लोग इसको भी उसकी इन्वेंटरी में दे देंगे। तो देख लेते हैं पहले, और यहाँ पे मैं ट्राइज का सैडल क्राफ्ट कर सकता हूँ, हमें 40 80 80 फाइबर और 25 वुड और साथ साथ 140 हाइट की ज़रूरत थी इसे क्राफ्ट करने के लिए। और फाइनली जो है गाइस हमने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया है, देखिए ट्राइज का सैडल भी क्राफ्ट कर लिया है। तो अब देखते हैं ट्राइज के पास की कितना परसेंट हो चुका हमारा। तो यहाँ पे ट्राइज हमारा अभी 53% हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो इसे रॉक रोड दे देते हैं और फिर उसके बाद इसे स्मूथिंग ब्लेम वगैरह दे देंगे ताकि जल्दी से हो जाए हमारा टेम। Can